राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जहां लगातार हत्या और डकैती की घटनाएं इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के संडीडी गांव में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। वहीं डोंगरगढ़ पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। 18 तारीख को रात्रि में मर्डर हुआ था, उसमें पुलिस द्वारा तस्दीक में दो आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसमें उसके पति पत्नी ही और उसका जो भाई है, मतलब पत्नी के भाई, ये दोनों को अरेस्ट किया गया है। और मृतक अपने पत्नी को प्रताड़ित करता था, उस वजह में उनके भाई को बुलाकर हत्या किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। सर, हथियार वगैरह कहाँ से जब्त किया गया, इनकी गिरफ्तारी कहाँ? आरोपी द्वारा हत्या करने के बाद जो टंगिया था उसको वहीं पे फेंका गया था, जिसको आरोपी के निशानदेही पे टंगिया को जब्ती किया गया और साथ में उसको गला दबाया गया था। तो हत्या का मेन जो हथियार है वो गला दबाकर हुआ था, और जो टंगिया था उसको गुमराह करने के लिए उसके दोनों पैर में चोट पहुँचाया गया था, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए।